जी सर, शिक्षा की बात करें तो स्कूल कितने तक है आपके गांव में? प्राइमरी पांचवी तक प्राइमरी जी। है, उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? रोडवेज गीड़ गांव है, ऐसे 2-2.5 किलोमीटर दूर, वहां पे जाते हैं फिर प्राइवेट या फिर करनाल। बस आती है आपके गांव में? नहीं, कोई रोडवेज बस नहीं, हमने इसके लिए बहुत कोशिश की, जीएम के पास गए, रेजुलेशन डाल के दिया, बट अब तक कोई वो नहीं है। स्कूल की, जैसे आपने बताया 5वीं तक है, बच्चों पांचवी को तक दिक्कतें नहीं आती बाहर जाने में? बिल्कुल दिक्कत आती है, और वो भी स्कूल जर्जर उड़ा पड़ा है, काफी स्कूल नीचा भी है। जर्जर हाँ हालात में है। हाँ यहाँ पे कम से कम 20 से 25 छतें जो हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो बहुत, उनके लिए हमने बहुत कोशिश की कि उनको ग्रांट मिल जाए, बट अब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मिली है अब तक। तो कैसे रहते हैं वो, जर्जर हालात है, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जिम्मेवार होगी, वो तो रोज हमारे को बोलते हैं कि हमको ग्रांट दिलवाओ, हम सरकार के पास जाते हैं, बट अभी तक कोई लाभ नहीं स्वास्थ्य मिला। की बात करें तो सरकारी अस्पताल है आपके गांव में? नहीं, अच्छा, तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं गाँव वासी? नमस्कार, गीड़ गांव में या फिर कुंजपुरा या करनाल। मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि इंद्री विधानसभा के मोदीपुर गांव में मौजूद है और गांव के सरपंच प्रतिनिधि दीपक हमारे साथ मौजूद है। उनसे आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही क्या कुछ विकास के कार्य इन्होंने करवाए उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी सर, शिक्षा की बात करें तो स्कूल कितने तक है आपके गांव में? प्राइमरी पांचवी तक प्राइमरी जी। है, उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? रोडवेज गीड़ गांव है, ऐसे 2-2.5 किलोमीटर दूर, वहां पे जाते हैं फिर प्राइवेट या फिर करनाल। बस आती है आपके गांव में? नहीं, कोई रोडवेज बस नहीं, हमने इसके लिए बहुत कोशिश की, जीएम के पास गए, रेजुलेशन डाल के दिया, बट अब तक कोई वो नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो सरकारी अस्पताल है आपके गांव में? नहीं, अच्छा, तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं गाँव वासी? गीड़ गांव में या फिर कुंजपुरा या करनाल। तो दिक्कतें है, कहीं इमरजेंसी रात को जाना पड़ जाए। रोजगार हाँ दिक्कत ही दिक्कत है, बस गीड़ जाते हैं या फिर करनाल ही गाड़ी में। की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके गांव में से? मिला है बहुत, 5-7 तो मिले ही हैं पिछले 10 साल के अंदर, कम से कम 10 तो लगे होंगे सरकारी नौकरी बस 5-10 ही लगे। जी। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छतें भी जरूरी होती है। आवास योजना के तहत कितनों की छतें पक्की हुई है, कितनी छतें कच्ची हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 20 से 25 छतें जो हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो बहुत, उनके लिए हमने बहुत कोशिश की कि उनको ग्रांट मिल जाए, बट अब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मिली है अब तक, आवास योजना के तहत एक का घर बना है। एक का बना सिर्फ, अच्छा, और बाकियों को, बाकी वो कोई कुछ नहीं मिला अभी तक। उनकी जर्जर हालात है, कैसे हैं? हाँ उनको बहुत ज़रूरत है, उनके मकान नीचे पड़ रहे हैं, बरसात के मौसम में पानी भर जाता है घरों में। अच्छा, तो सर विकास के क्या कुछ काम करवाए आपने अपने गांव में? हमने अपने गांव में कुछ गलियां जो नई बनी थी वो बनवाई, वाटर कूलर लगवाए, साफ सफाई, फोगिंग होती है हर 3 महीने बाद, शमशान घाट कच्चा था उसको मिट्टी अभी पक्का कराने की चल रही है, बीसी चौपाल है उसको रिपेयर रेनोवेशन कराएंगे। सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में, कोई सफाई कर्मचारी लगा हुआ? हाँ सफाई कर्मचारी लगा हुआ है सरकार की तरफ से। सर, आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला आपके गांव नहीं, वासियों को, तो कैसे रहते हैं वो, जर्जर हालात है, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जिम्मेवार होगी, वो तो रोज हमारे को बोलते हैं कि हमको ग्रांट दिलवाओ, हम सरकार के पास जाते हैं, बट अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। कोई फॉर्म फॉर्म भरवाया था आपने? हाँ उनके नाम गए हुए हैं, पंचकूला एडवोकेट में गए हुए हैं, 18-20 बंदों के नाम है, पर अब तक कोई ग्रांट नहीं आई। जरूरतमंद लोग हैं जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है। तो ऐसे, तो पिछले साल जैसे बाढ़ आई थी, बाढ़ के हालात थे आपके गांव में, तो यमुना का जो तटबंध है वो बन चुका है? नहीं अच्छा, वो भी तैयार नहीं हुआ, अगर फिर से वैसे ही हालात बन गए क्योंकि मानसून तो लग चुका है। आप क्या करेंगी, मुकाबला करेंगे मिलके सारे गांव वाले। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है गांव के अंदर, बिल्कुल बहुत है। बहुत ज्यादा। और क्या कुछ काम जो है वो करवाने हैं आपने आगे? बस यही है, वो सारी गलियां पक्की करवानी है और शमशान घाट पक्का करवाना है, और भी बहुत काम है, चौपाले हैं 2, कश्यप चौपाल, बीसी चौपाल, उनकी रेनोवेशन करानी है। स्कूल भी जैसे आपने बताया 5वीं तक है, बच्चों पांचवी को तक दिक्कतें नहीं आती बाहर जाने में? बिल्कुल दिक्कत आती है, और वो भी स्कूल जर्जर उड़ा पड़ा है, तो काफी स्कूल नीचा भी है। जर्जर हाँ हालात में है। हाँ उसको अभी बिल्डिंग कंडम के लिए हमने लिखा हुआ है, बिल्डिंग कंडम हो गया शायद, अब सरकार से मांग करेंगे उसकी दोबारा न्यू बनवाने के लिए, अच्छा, नई बहुत नीचे बिल्डिंग पड़ता है। बनवाने हाँ वाली है। बरसात में पानी भर जाता है उसमें, सड़क से कम से कम 5-5 फुट नीचे चला और गया है बच्चे वो, पढ़ाई कैसे करते हैं? बस राम भरोसे। और सर, फिर बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज कैसे जाते हैं जब रोडवेज बसें ही नहीं आती? बस यही लिफ्ट ले लेके जाते हैं किसी किसी के साथ, या फिर गीट पैदल जाना पड़ता है 2.5 किलोमीटर दूर, वहाँ से फिर बस पकड़ते हैं फिर जाते हैं, वही धक्के खाने हैं बच्चों को,
वो हमारे को बोलते हैं। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने रेजुलेशन भी डाल के दे दिया, हम जीएम के पास भी चले गए चरचर बार, मैं और ये मुगल माजरे वाले सरपंच है जो। अच्छा, कोई प्ले ग्राउंड है, स्टेडियम है, नहीं कुछ कुछ नहीं है, नहीं है बच्चे खेलने के लिए, फिर खेल कुछ ही नहीं नहीं, बस सकते। इधर उधर खेलते हैं गलियों में, अच्छा, तो गलियों में तो दिक्कतें भी हो सकती बिल्कुल है। सारी दिक्कतें हैं मैडम, है ही नहीं कोई, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है आपके गांव के अंदर दिक्कतें ही दिक्कत है, बिल्कुल। यमुना बेल्ट का ये इलाका लगता है, तो ऐसे में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जितनी भी ज़्यादा सुविधा हो वो दी जाए और जो भी अपने काम है वो मिल के कराए जाए। तो वही देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं। आपको बता दें कि यमुना बेल्ट से लगने वाला ये गांव है और तटबंध भी अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं दिक्कतें ही है। आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो लोग उनमें रह रहे हैं कच्चे घरों में, उनको दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला किसी को भी, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कारण है। कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिक्षा की बात करें तो बच्चों के लिए स्कूल भी जो है वो सही नहीं है, 5वीं तक का स्कूल है, उसके बाद उसकी भी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालात में है, मासूम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।